सितंबर फर्स्ट ये हो गया था बीच अपने को जो फॉरवर्ड की पावर एन बाय इक्वल्स टू फॉरवर्ड की पावर एन वाई ऑफ एक्स माइनस 100 यार तो फॉरवर्ड की पावर एन बाय एक्स ही प्रूव करना अपना लेफ्ट साइड की कंडीशन है फॉरवर्ड की पावर एन बाय फॉरवर्ड और डेल में अपन ने रिलेशन फाइंड किया था क्या था फॉरवर्ड का इसके साथ रिलेशन डेल को क्या लिख सकते हैं हम फॉरवर्ड टी की पावर माइनस ये प्रूफ किया था तो ये लिखते हैं फॉरवर्ड टी की पावर माइनस 1/2 एन वाई ऑफ एक्स ये आ जाएगा वाई फॉरवर्ड की पावर एन टी की पावर माइनस 1/2 वाई ऑफ एक्स इससे क्या हो जाएगा वाई ऑफ एक्स माइनस एन बाई इस पे जब ये ऑपरेट करेंगे ये किसका काम करेगा अपने एच वन का जब भी सब स्क्रिप्ट लेंगे एच की कैसी कंडीशन आएगी ये अपना आप हो गया तो फिर ऐसी का सी वाई ऑफ माइनस एन समेशन के 0 to n माइनस 1 की पावर के ये नोटेशन कॉम्बिनेशन का है ये फॉरवर्ड की पावर के वाई जीरो ये किसका है कॉम्बिनेशन का है ना एनसी के लिखते हैं अपन वो कंडीशन है तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाई ऑफ माइनस एन इसको शिफ्ट से चेंज करा दें ई की पावर माइनस एन वाई ऑफ जी सबस्क्रिप्ट के लिए एच कितना होता है 1 माइनस एन तो ये वाई ऑफ जीरो की कंडीशन ई को बैकवर्ड की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इनवर्स आई माइनस बैकवर्ड और ये वाई जीरो की कंडीशन ई इनवर्स को लिख सकते हैं बस या ई है अपना आई माइनस बैकवर्ड की कंडीशन तो ई इनवर्स हम ई इनवर्स यानी एफ ऑफ एक्स माइनस फंक्शन पे लेते हैं था एफ एक्स ऐड करा दे और लेस करा दे एफ एक्स और ऐड कराए और लेस करा क्या होगी कंडीशन ये एफ एक्स ऐसा हो गया आइडेंटिटी की कंडीशन और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस क्या होता है अपने एफ ऑफ एक्स माइनस एच की कंडीशन तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ एफ एक्स और माइनस कॉमन निकाल लेंगे बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच क्या होता है बैकवर्ड तो इनवर्स क्या होगा आई माइनस बैकवर्ड की कंडीशन ये हो गया तो E इनवर्स को अपन लिख सकते हैं आई माइनस एफ ये अपन ने प्रूव किया था रिलेशन अब इसकी सीरीज ओपन करें क्या होगी कंडीशन आई की पावर एन माइनस एन सी वन आई की पावर एन माइनस वन और बैकवर्ड एन सी टू आई की पावर एन माइनस टू बैकवर्ड स्क्वायर माइनस एन सी थ्री ये पावर कम होती जाएगी ये बढ़ती जाएगी ठीक है और कहां तक है अपने एन तक की कंडीशन तो ये आ जाएगा माइनस वन की पावर एन एन सी एन ये आ जाएगा वाई नॉट की कंडीशन इसी को अपन समेशन में लिख सकते हैं इस सीरीज को समेशन के 0 से एन माइनस वन की पावर के और ये एनसी के बैकवर्ड की पावर के और ये वाई ध्यान से देखो इस सीरीज को ओपन करके देखो के 0 रखे हैं माइनस वन की पावर 0 यानी प्लस वन हो जाएगा एनसी 0 यानी 1 और इस पे रखे के 0 कट जाएगा और ये वाई नॉट की कंडीशन आ रहा है अंदर का ठीक है तो फिर के 1 रखे माइनस वन की पावर 1 यानी माइनस वन एनसी 1 और ये बैकवर्ड की पावर 1 11 और वाई नॉट ठीक है
एमसीके को अपन इस तरह के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन की कंडीशन, ये प्रूव हो गया आपने। तो ये कंडीशन आई वाई ऑफ माइनस है, इसको लिखा समेशन के 0 टू n माइनस 1 की पावर के n के बैकवर्ड की पावर के y 0, ये प्रूव करना। लेफ्ट हैंड साइड ली इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, y नॉट की, तो इसको y नॉट के फॉर्म में की चेंज करने के लिए एक ही पावर माइनस n नॉट की कंडीशन। e इनवर्स होता है, रिलेशन होता है बैकवर्ड के साथ, i माइनस बैकवर्ड, ये होल पावर है, ये y नॉट की कंडीशन। इसको ओपन कर लो, ये फॉर्म आ जाएगी, क्लियर। इसको अपन समेशन में ही लिख सकते हैं। डी प्रूफ करना है तो टू की कंडीशन वाई वन माइनस टू वाई जीरो प्लस वाई वन माइनस, लेफ्ट वाली कंडीशन ले लें, लेफ्ट हैंड साइड 10² वाई 0 क्या हो जाएगा, ई की पावर हाफ और माइनस ई की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये वाई नॉट की कंडीशन। ये होल स्क्वायर क्या होगा, ई की पावर हाफ का स्क्वायर यानी माइनस टू ए बी ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर हाफ, और इसका वापस होल स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस वन, और ये वाई नॉट की कंडीशन। इसको ओपन करें, ई वाई 0 माइनस टू ये कैंसिल हो जाएंगे, वाई 0 ई इनवर्स वाई 0, ई वाई 0 की क्या कंडीशन होगी, 0 प्लस 1 शिफ्ट में, अगर यहाँ सब स्किप में ले रहे हैं एक्स हमेशा 1 होगा, 2 y 0 और ये 0 माइनस 2, तो ये आ गया y1 माइनस 2 y 0 प्लस y1 माइनस 1, ये राइट हैंड साइड है। जैसा प्रूफ चाहिए, फॉरवर्ड में रिलेशन चाहिए, डेल्टा बैकवर्ड में वो कंडीशन लेंगे। अब एक कॉस टेंजेंट डिफरेंस फॉर्मूला, कॉस टेंजेंट डिफरेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई प्लस टू y ऑफ 0 है ना, u डेल y 0 प्लस u माइनस 1 डेल स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू u माइनस 1 u प्लस 1 इक्वल 3 डेल q y माइनस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 u प्लस 1 इक्वल 4 डेल 4 वाई माइनस 2 एंड सो। ध्यान से देखना ये क्या होगा फॉर्मूला, कॉस सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला क्या होगा, वाई ऑफ यू है ना, ये वाई जो है अपने पास वाई नॉट, फिर यू डेल वाई नॉट की कंडीशन, दो बार वाई नॉट ठीक है, फिर u u के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय u माइनस 1 डेल स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू, अब दो बार y माइनस 1 है और डेल की पावर बढ़ती जाएगी, ये फर्स्ट फॉरवर्ड ये सेकंड, अब इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार u प्लस 1 वाला एक बार u माइनस 1 वाला, तो ये आया u u माइनस 1 डेल स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन फैक्टर टू, और ये u u माइनस 1 u प्लस 1 इक्वल 3 डेल क्यू y माइनस 1 की कंडीशन, फिर अगले में आएगा u u माइनस 1 u माइनस 1 u प्लस 1 u माइनस 2 की कंडीशन, फर्स्ट में u आया फिर सेकंड में u u माइनस 1 है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस 1, फिर अगले में मल्टीप्लाई होगा
-1, फिर इसके अगले में वापस आ जाएगा प्लस वाला, एक बार प्लस वाला आता जाएगा, एक बार माइनस वाला, और दो टर्म वाई डॉट की, दो टर्म -1 की, दो टर्म -2 की, ऐसे कंडीशन आती जाएगी। ये हो जाएगा अपना सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला किसके लिए, कॉस के लिए। क्लियर? इसका एग्जांपल वर्क बता दूं। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है ना, ये फॉरवर्ड वाला होगा, ये वाई ऑफ यू, यानी वाई इनपुट फंक्शन है, वाई नॉट यू, इसमें दो बार वाई जीरो आया, दो बार वाई माइनस, दो बार वाई माइनस स्क्वायर। क्लियर? और कॉस वैल्यू यू के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव यू माइनस वन, बैकवर्ड मुद्दा होगा, वाई ऑफ यू वाई जीरो एक ही बार है। क्लियर? ये एक बार है। अब बाकी वाई माइनस वन दो बार आएगा, वाई माइनस टू दो बार आएगा, वाई जीरो एक बार होगा, और इसमें यू माइनस वन का फैक्टर पहले मल्टीप्लाई होगा, इसमें यू के साथ यू प्लस वाला मल्टीप्लाई है ना, यू प्लस वाला, फिर माइनस वाला, फिर प्लस टू वाला, अगले में माइनस वाला। क्लियर? तो फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस को आप देखते हैं, इस पे दो बार कंडीशन आई है, इसमें ये एक ही बार है, बाकी ये दो दो बार चलेंगे, वाई माइनस वन दो बार चलेगा, वाई माइनस दो बार चलेगा, और फिर यू माइनस वन के फैक्टर से स्टार्ट होगा, फिर यू प्लस वन के फैक्टर से स्टार्ट होगा। ठीक?